चेस तस्करी का अभियोग साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने एक आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माने का फैसला सुनवाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत ने संजीव कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी गांव मांज डाकघर मुंडकर के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उत्तक सजा का फैसला सुनाया है। विजिलेंस विभाग के SI ने आरोपी को 400 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 अक्टूबर 2015 को नाकाबंदी के दौरान आरोपी झनियारा में चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। जिला न्यायवादी CS भाटिया ने जानकारी दी कि अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी NS चौहान ने 11 गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी पर अभियोग साबित किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चर्च बरामदगी का अभियोग साबित हुआ है। माननीय अदालत ने आरोपी से बरामद शुदा चर्स की मात्रा व्यवसायिक की होने के कारण आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास व 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। माननीय विशेष न्यायाधीश श्री पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसला करते हुए संजीव कुमार सन ऑफ श्री अमर सिंह गांव माज PO मुंडखर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर को 5 साल का कठोर कारावास व 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामला कुछ इस तरह था कि दिनांक 28/10/15 को विजिलेंस विभाग हमीरपुर के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार अन्य मुलाजमान के साथ मकाम चनियारा में नाकाबंदी पर मौजूद थे, तो दोषी संजीव कुमार कार नंबर HP 22A 3555 में हमीरपुर की तरफ से आया, जिसे चेकिंग के दौरान रोका गया और चेकिंग करने पर उसके पास 400 ग्राम चरस बरामद हुई। 400 ग्राम चरस के बारे में दोषी के पास किसी प्रकार का कोई वैध या अवैध कागज नहीं था। विभाग ने उसके ऊपर मुकदमा नंबर 5/15 डेटेड 28/10/15 अंडर सेक्शन 20/1985 ऑफ NDPS एक्ट दर्ज किया तथा मुकदमा तैयार होने पर माननीय अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमा हजा में 11 गवाह पेश किए गए। मुकदमे की पैरवी विजिलेंस के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री NS चौहान ने करी थी तथा आज इस मुकदमे की सुनवाई खत्म होने के बाद माननीय अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है।